अभी देखो हुआ क्या, मुझे एक बात और याद आई। आप आज चाहिए ना लिख के सर्च कर लेना, उसमें क्या हुआ था कि हम शाम को ऐसे भाई भाई वगैरह सब काम करते हैं, तो हमारे क्या इधर जो हमारे भाई वगैरह हैं वो ऐसे हम सब फ्रेंड की तरह ही रहते हैं, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं हमारे कि भाई ये बात करे तो उसमें कि भाई क्या बोलना क्या नहीं बोलना, वो दिक्कत नहीं। अपने तो कोई घटना को अंजाम देना हो तो बोलते कि बिल्कुल देना ही है, तो इसमें क्या है, ये तो करना ही चाहिए काम। तो इस प्रकार है सारे। तो हम YouTube पे ऐसे सर्च करे तो कोई एरर आ गए, कोई ऐसे देख रहे थे कि क्या दिक्कत है। तभी तक वो एक और बेटा था, वो ऐसे ट्राई करते 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 पता नहीं YouTube में कहाँ चला गया। उसने कहा इधर आओ मैं आपको एक जनजाति दिखाता हूँ। उसमें जनजाति थी कैलासी, कैलासी करके एक जनजाति उधर ही है, पता नहीं हिमाचल की तरफ कोई ऐसी कैलाश पर्वत के कैलासी, वहाँ पर ऐसा था। तो वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर ऐसे फ्रीडम है, तो वो शादी वगैरह होती है तो उसमें क्या करते हैं, वो जितने भी वो जवान लड़के लड़कियाँ होते हैं वो वहाँ जाते हैं। लड़कों को कोई फ्रीडम नहीं है, लड़कियों को है, लड़की चॉइस करेगी और उसके बाद में जिनके भी केमिस्ट्री बैठे तो वो फिर उधर साइड में हो जाते हैं, फिर उनकी वो शादी हो जाती है, वो ऐसा सिस्टम है। तो अपने यहाँ पर तो वो आपने जनजातियाँ देखी हो ना, वैसी जनजाति नहीं, इतनी शानदार है आपको लगेगा कि हम हैं आदिवासी। तो उनको देख के इतने मतलब हाईली ब्यूटीफुल होते हैं, ठीक है ना। आप YouTube पे सर्च कर लेना ओकेलस, हाँ कश्मीर साइड। अरे गोरा होना और सॉफ्ट होना अलग चीज़ होती है, और आकार होता है वो अलग चीज़ होती है, जो नए नक्शा वगैरह, तो वो सारा उसमें दे रखा। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो ठीक है ना, अपने वाले वो सारे उधर मेले में चले, भाई ट्राई करने में क्या लगता है, किसी के तुक्का बैठे उसके ही ठीक है जो नहीं बैठे। तो उसमें क्या हुआ, उसमें थोड़ा सा तो वो लेके, मैंने कहा यार मैंने तुझे क्या ढूंढने को बोला। उसने देखा हम इधर तीन लोग सीरियस हुए बैठे देख रहे हैं स्क्रीन पे, कुछ मिले वो ओके नहीं हंस रहा, मैंने मुस्कुरा रहा था। फिर उसने स्टोरी दिखाई, पूरी स्टोरी देखी, तो मैंने कहा यार हम क्या ढूंढ रहे थे, तूने क्या ढूंढा कि तो भी बताओ ना, कमाल की चीज़ मैंने ढूंढी का आपने ढूंढी। तो मैंने कहा हम तो सीरियस हैं। फिर हमने देखा, फिर मैंने कहा यार आधा क्या वीडियो दिखा रहा, पूरा ही दिखा आगे क्या होता है। तो फिर मैंने कहा इसको साइड में रख, ये सब भी ढूंढ लेंगे। तो उसमें आगे ढूंढते तब तक वो पूरा ऐसे बोल रहे थे। मैंने कहा भाई जो कुंवारे हैं उनको बोल देंगे आप तो रिजर्वेशन करवा लो, बढ़िया टिकट विकेट कटाओ जाओ, ये कब लगता है इसका डेट वगैरह देख ले तू भाई, किस है भाई फागण उतरते एक चेत लागते कद है। तो मैं अभी मैं देखता लास्ट को जो 1.5 मिनट को वीडियो में एक लाइन बोल ली जीते एकदम सही चले, क्यों लड़का और लड़की जो भी हो वो सॉरी लड़का कैलासी होना चाहिए, मतलब यहाँ का लोकल निवासी होना चाहिए। मत तो उन्होंने कहा कि यार ये क्या पहचानेंगे तुम लोगों को जाते ही पहचानेंगे कि इन इनको बाहर निकालो। तो बोले मैंने कहा भाई वहाँ वो उनका होता है वो पहचान। सब चीजों से लगता है राजस्थानी है। तो ऐसा था भाई ये जनजाति। चलो हाँ हाँ है पंग, पहाड़ों के लोग होते हैं ना वो थोड़े हाइट में कम होते हैं, मैदानों के लंबे होते हैं। आगे देखो देखो सिंप्लीफिकेशन। आप अक्की में ही को नाम था सही बता ना, नहीं तो मान लो काला लोगों की भी कटी कटी बहुत वैल्यू है, आप हम बेबी को नहीं, गोरा लोगों की भी है रोड गोड़ा सिंप्लीफिकेशन। हाँ नहीं अब देखिए सिंप्लीफिकेशन के अंदर रूट की जो बीमारी है उसको अपन सोल्व करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ब्राण में सोड़ा ये कितने का रूट है। देखो इसको ध्यान से, पहले तो इसको देखते ही आंखों में सोल हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ करो। तो इसका एक तरीका है, इसको बंद कर दो अभी इसका काम नहीं। अभी देखो मैं बताऊं क्या तरीका है, आप ऐसे सोचो कि देखो 10 का स्क्वायर 100, 20 का 400, 30 का 900, 40 का 1600। अरे वे 4-5 है बैंक को स्क्वायर करना है, लार 2 जीरे लगाना है, इतना सीरियस सुर का है देखो। तो 2500, 3600, 4900 यहाँ चले
जन ते सोच रो के वो 9216 कटे के जन थान टापड़ी के 90 को तो हुए 8100, 100 को हुए 10000, मतलब 90 और 100 के खाई है बीच में 96 का। अब 96 को क्या टापड़ी, एक और तरीको बताऊंगा, एक अलग मेथड बताऊं थाने, एक तो वो बताए लाडलो देखो आगलो देखो, 90 × 90 की तो है, एक देखो बार ठाकड़े में 99 × 99 कल टिफिन लेना है मन देखो कौन सा वो अभी काफी टाइम हो गया 96 का है। देखो एक चीज में बताता हूँ चाहे आप 1091 को 1091 से गुणा कर लो आवाज तो भी आपको पता है जो भी रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक क्या आएगा, क्यों, क्योंकि आपने पीछे के इन दो अंकों को गुणा करके देख लिया। तो मैंने एक चीज बताओ जहाँ 91 में गुणा करा संख्या की आवेली लेकिन लर कहीं आए, 92 में गुणा करा की संख्या है लर कहीं आए, वो तो हुई नहीं सके, वो भी नहीं हो सके, वो भी नहीं हो सके, वो भी नहीं हो सके, क्योंकि आप लार की तो आनो सर लार है 6, एक तो 94 में 95 में 5 × 5 = 25 कौन है 96 में 9 आए 7 × 7 = 49 8 × 8 = 64 4 आए आपन टा पड़ गई के तो 94 में के बस 94 × 94 कर लेना 96 × 96 कर लेना, यदि किस्मत बढ़िया है 96 × 96 कर दियो जन आएगा जन ठीक है, मान लेते हैं किस्मत खराब है पहले 94 × 94 कर लिया तो बाद में 96 × 96 ट्राई मत करी जो पसी तो 96 × 96 ही है। अब बताओ वो था निकाल नहीं आई हो को नहीं यार वो भी है यार, एक तो वो रूट आड़ो है नहीं 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 जैसे क्या सोका हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल इससे भी सीधा है, इसमें ज्यादा लोड आता ही नहीं, इसमें मल्टीपल करने की जरूरत क्या है, इकरान में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एक में था ना, एक चीज बताओ जी हाँ समझ लियो लिख लियो लिखो इन लिखो और इन सेम यान काट रही लिखो है ताकि तान ठारे वे कि कहीं काटियो बिल्ली मोसी हाँ हाँ ऐसे निकालने को निकलता है बिल्कुल सही किया आपने, लेकिन अपने को टाइम कम से कम लगना चाहिए ना। अरे देवी जी आपको सिखाया इसलिए टाइम लगा, देखो 91 × 91 एक आएगा, 92 × 92 2 2 3 3 4 4 सीधे काटो कटा कट कटा कट हाँ क्या क्वेश्चन पूछा यार, मेरे डाउट क्रिएट कर दिया हाँ सब ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो, मैं फिदा हो जाएगी आप ठीक है ना, कि मैं कुर्बान हूं आप यहीं, अब आगे जाने की इच्छा नहीं है मुझे, कोई मुझे दूसरा सीखे ये मुझे पसंद ही नहीं। अरे यार ये को क्या था, चलिए अब अगला देखिए। अब मैं आपको एक चीज बता रहा था कि जैसे आप पीछे का अंक ट्राई करते हो, जैसे 1 का स्क्वायर 1 2 का 4 तो कुछ गुना नहीं किया आपने, सही किया 6 का स्क्वायर फिर अच्छा फिर अब देखो, अब देखिए आपने एक चीज नोटिस की कि सर हम पीछे का अंक 6 देखेंगे तो 6 मिल जाएगा, तो इसमें 1 4
5690। ये अंक तो आप पीछे देखोगे तो आपको यह मिल जाएगी। कभी आपके ख्याल नहीं आया कि यदि मुझे 8 दिखाई दे तो क्या होगा, मुझे 7 दिखाई दे तो फिर मैं क्या करूँ। तो आपको एक चीज बता दूं, जिस संख्या के पीछे 1, 4, 5, 6, 9 और 0 के अलावा कुछ भी आता है वो उसका स्क्वायर बनता ही नहीं। हाँ, वो सब में ही नहीं बनेगा, सच में ही नहीं बनेगा। हाँ ठीक, इसको याद रखने का तरीका 1456 90 1456 90 जकार ला रहे 1, 4, 5, 6, 9, 0 है ना, बैंको ही परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर रूट बनी। यहाँ तो हो सके कि 16.3 आ जाए यहाँ तो बन जी, लेकिन यहाँ कौन बने 16, 17 परफेक्ट परफेक्ट को ना, ठीक है ना। तो नोट लगा के लिखो, नहीं है पहला डाउट पूछा आपने आने के बाद, लिखो जिस संख्या के इकाई का अंक, जिस संख्या के इकाई का अंक, जिस संख्या के इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9 और 0 के अलावा, और 0 के अलावा 1, 4, 5, 6, 9 और 0 के अलावा कोई अन्य अंक होता है, कोई अन्य अंक होता है, कोई अन्य अंक होता है, कोई अन्य अंक होता है उसका, उसका उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं बनता, उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं, ये करो देखें क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 अरे सेटिंग है कर कहीं क्या होगी अगली खराब कहीं नहीं करेटा वहां के मीन टाइम लगे जगह टाइम की हुई होने फोन वगैरह दो हजार पांच में लगे सर फोन आ गए मांगने तो बोला 225 सारा देख अभी देखो मैं कर दूंगा एक बार ट्राई करने तो सभी को अभी बहुत प्रैक्टिस चाहिए। हेलो हेलो कहाँ से आचाय कौन पो गए माने कोचिंग आओ नहीं 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 लागेड़ी है ना ठीक वाह हाँ सा करा
और यो क्वेश्चन अबे लालो ये देखो दिखाई दिया आंसर, ये 0 डी ऑप्शन। पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। हाँ ऐसा ही फचे। चलो 7 को क्यूब 3 किन याद को नहीं 7 को क्यूब कौन क्यों है। हाँ चलो अभी अभी कुछ और देखते हैं। सात का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 3 × 7 = 21 और 15 × 8 = 120। इनको सब आपस में मल्टीपल किया 2520, फिर जोड़ करनी रहती है, सबट्रैक्ट बाद में होता है। 343, 512, 855, 855 और 2520, 3375, 3375 माइनस 3375। ये समझा दिया। इसको कौन कर सकता है भाई, ये दूसरा। पंद्रह इंटू यहां पर ये माइनस एक्स है, मैं क्वेश्चन को यहां पे लिखूं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हाँ 45 माइनस कोष्टक 28 माइनस 37 माइनस 15 माइनस एक्स बराबर है 58। एक्स की वैल्यू बतानी है। देखो बहुत सिंपल है, माने एक चीज बताओ, माइनस साइड खोलना शुरू करना शुरू कर 28 माइनस 37, वो माइनस इन 15 हो जन काई में जी माइनस 15, वो माइनस कुछ ही ना के जाए जन माइनस माइनस प्लस बराबर में काई आएगा। अब 48 माइनस अब ये कोष्टक और खोलो तो 28 बराबर में कितना है